मत्ते अल्ली होदागा मैं ऐसा आदमी हूँ मेरी छाती 56 इंच की है। भाई तुम्हारा छाती 56 इंच लेके क्या करना, हमको खाने के लिए अनाज होना, रहने के लिए पहनने के लिए कपड़े होना, सर पे छत होना, लोग ये चाहते हैं। तुम्हारी छाती देख के कौन काम करने वाला है? अब अगर आपको उतनी ख्वाहिश है अपनी छाती दिखाना तो किसी टेलर को बुला लो, छाती का माप ले लो या और नए जैकेट सिलाते जाओ। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। क्योंकि उन्होंने रोज एक जैकेट पहनते हैं, एक फंक्शन को एक जैकेट, रोज एक नहीं एक फंक्शन को एक, और ऊपर से कहते हैं मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे को सब लोग गालियां देते हैं, मैं पिछड़ा हूँ। हम क्या आगे वाले हैं क्या? हम तो और पिछड़े वाले हैं। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको कुछ संविधान में दिया, इसीलिए हम थोड़ा कुछ जी रहे हैं, नहीं तो आप लोग जीने भी नहीं देते थे। और हमको ये कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा हूँ, मेरे को गालियां दिए, मेरे को 91 टाइम्स गालियां दिए। अरे ये कहने की बात है? अरे आप प्रधानमंत्री हो, रो मत, आप सवाल का जवाब दो, उसके बजाय आप हमेशा रोते ही रहे। कभी बोलते हैं मैं बैकवर्ड हूं, कभी बोलते हैं मुझे गरीब आदमी को कोई सहन नहीं कर रहा, कभी ये बोलते हैं मैं एक छोटे से छोटे होटल बना के मैं आ गया, ये बात आप बोलते हैं। अरे हम भी यही बोलते हैं, हम तो ये नहीं बोले राजे महाराजे के बेटे, मैं तो हमेशा बोलता हूँ मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, एक काम करने वाला मेहनत कस का बेटा हूँ, मैं कभी किसी का फुकट नहीं खाया, ना मेरे बाप ने खिलाया, मेरे बाप ने खिलाया मेहनत के पैसे से खिलाया, मेरे को बड़ा बनाया, मेरे को पढ़ाया, मेरे को लिखाया, और जो अन्याय करते उनके विरुद्ध लड़ने का मुझे सिखाया। और आप तो रोते ही रहते हो, अरे आपके पीछे तो आरएसएस है, बीजेपी के लोग हैं, 40% वाले हैं, इतने लोग रहते हुए हिम्मत से काम लो, उसके बजाय मेरे को ऐसा हो